नमस्कार। सात रंग के इस खास कार्यक्रम जो कि कविताओं पर केंद्रित है, इसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं। सात रंग सात कविताएं हम पहले आपके सामने पेश करते थे, उसी कड़ी में इस बार हम आपको दो कवियों से मिलवा रहे हैं, लीलाधर मंडलोई और राजीव कुमार शुक्ल से। तो शुरू करते हैं आज की कविताएं। एक रचनाशील और संवेदनशील शख्सियत के कितने आयाम हो सकते हैं, ये आपको लीलाधर मंडलोई के सफरनामे को देखकर महसूस होगा। पढ़ाई लिखाई में हमेशा से अव्वल रहने वाले मंडलोई जी तमाम उच्च प्रशासनिक पदों पर रहने के अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानिदेशक भी रहे। एक कलाकार के तौर पर उनकी खास पहचान रही है और एक बेहतरीन कवि तो वो हैं ही। अब तक 30 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके मंडलोई जी कविता, कहानी, आलोचना, कला संस्कृति, लोक परंपराओं, निबंध से लेकर बाल साहित्य तक लिख चुके हैं। कविता के लिए कबीर, पुष्किन, शमशेर, रजा, नागार्जुन, रामविलास शर्मा समेत तमाम पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। तमाम फिल्मों धारावाहिकों के निर्माता निर्देशक रह चुके हैं और फिलहाल उनकी कई नई किताबें आई हैं। बेहद सक्रिय और सतत रचना कर्म में लगे रहने वाले लीलाधर मंडलोई ने सात रंग के दर्शकों के लिए अपनी कुछ कविताएं पढ़ी हैं। आइए सुनते हैं मंडलोई जी की तीन कविताएं। मित्रों नमस्कार। सात रंग के लिए मैं अपनी तीन कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। सात रंग एक अनूठा आयोजन है। यहाँ साहित्य और संस्कृति के लिए एक जनतांत्रिक जगह है, इसमें कलात्मक प्रयोग होते हैं और ये मुझे अच्छा लगा। मेरी पहली कविता का शीर्षक है खुशामदीद। जब घर छोड़ा खुदा हाफिज कहते हुए, जब घर छोड़ा खुदा हाफिज कहते हुए दरवाजा बंद ना होकर जोर से खुला, पिंजरे से आजाद हुआ तोता पेड़ पर बैठने की बजाय मंडराता रहा घर में। डपटने के बाद भागी नहीं बिल्ली और म्याऊं म्याऊं करती हिलाने लगी पूंछ। बचा खुचा सामान बेकाम होकर मानो चीखने लगा। हर किसी ने सुना खुदा हाफिज घर में, हर किसी ने सुना खुदा हाफिज घर में, घर ने सुनकर भी नहीं सुना। तोता पिंजरे के आसपास डोलते हुए बोल रहा था बस एक ही शब्द, खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। ये दूसरी कविता है और इसका शीर्षक है ये रात। न गोलियां चल रही हैं, न बम गिर रहे हैं इलाकों में, न तोपों की आवाज बुलंद है, न अजनबी छायाएं हैं आसपास। हमारा घर आज खौफ में नहीं है, हमारा घर आज खौफ में नहीं है, न ही कोई बड़ी खबर है हमले की। आज की रात आओ प्यार कर लें जी भरकर, आज की रात आओ प्यार कर लें जी भरकर, न जाने कल ये रात नसीब हो ना हो, नसीब हो ना हो। और ये अंतिम कविता है, इसका शीर्षक है शायद शब्द ही अब। एक और युद्ध की तैयारी है खलवाड़ दिमागों के भीतर, सचमुच के युद्ध से भयावह है ये युद्ध जो धरती से ब्रह्मांड तक पसरा है। बादल अपने रंगों को बचा नहीं पा रहे, न ही अपनी नमी को। आसमान भर उठा है दरारों से और समंदर बारूद की गंध में है।
सूरज बेहाल है अपनी ही गर्मी से और हर मौसम हाफता बदल रहा है बेतरह। रातें अशांत और दिन भयानक इतने कि पेड़ पौधे मर रहे हैं, जीव जंतु इस कदर कि दुर्लभ जातियों में उनका शुमार हो रहा है। धरती नई नई खादों से बीजों से बांझ होती सिसक रही है। अन्न फल फूलों और वनस्पतियों में गंधहीन स्वाद है। नदियों के साथ सूख रहा है हुक्मरानों के आंखों का पानी। नदियों के साथ सूख रहा है हुक्मरानों के आंखों का पानी। असुरक्षा की जद में है तारागण, ग्रह, निहारिकाएं और उनकी सांसों में कितना परमाणु विष कि वहां भी होने को है कई कई हिरोशिमा और नागासाकी। वहां भी अगर हुए जीव जंतु, हवा पानी, वनस्पतियां या मनुष्य, खानाबदोश हो जाएंगे एक दिन वे भी। और इस दफा तो क्लाड इथरली नहीं, हृदयहीन रोबोट होंगे। मेरी कविता मेरी अंतिम उम्मीद को शरणार्थी होने से नहीं बचा सकता कोई अब। शायद शायद शब्द ही अब मेरे हासिल की तरह जिंदा रह सके तो बहुत, जिंदा रह सके तो बहुत। शुक्रिया मित्रों, शुक्रिया सातरंग। रेडियो की दुनिया में अपना अहम योगदान देने वाले और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहे राजीव कुमार शुक्ल की कविताओं में मौजूदा दौर की पीड़ा भी है और जीवन की सच्चाइयां भी। उनकी शैली सहज और भाषा सरल है। अपने लेखन और साहित्यिक अभिरुचियों की बदौलत राजीव कुमार शुक्ल ने साहित्य जगत में एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी कविताओं, कहानियों और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक समालोचना से जुड़े रहे। पहल, वसुधा, कथन, साम्य जैसी प्रमुख साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं लगातार छपती रहीं। तमाम विदेशी कवियों और साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद हिंदी में राजीव कुमार शुक्ल ने प्रमुखता से किया। आकाशवाणी में करीब 4 दशक तक सेवाएं देने के बाद फिलहाल राजीव कुमार शुक्ल लगातार कविताएं लिख रहे हैं और साहित्यिक क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। सात रंग के लिए खास तौर से उन्होंने अपनी ये 3 कविताएं भेजी हैं। पहली कविता जो मैं आज यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं उसका शीर्षक है वे मुझे भी ढो ले चल रहे हैं। दरअसल ये कविता उपजी 2020 में जो त्रासदी हुई कोरोना की पहली लहर के दौरान, जब बहुत बड़ी तादाद में श्रमजीवी वर्ग के लोगों को अपने कामकाज की जगहों से अपने वापस घरों की ओर शरण के रूप में यात्रा करनी पड़ी बहुत भयानक परिस्थितियों में, और हम मध्य वर्ग के लोग जो उस समय बड़े शहरों में थे वो किस तरह का एक मन में भाव आया, ये कविता वहीं से आती है। वे मुझे भी ढो ले चल रहे हैं, गोद उठाए बच्चों को, सिर पर लादे ट्रंक गठरियां, पहने प्लास्टिक की चप्पलें, फटीचर जूते, जाते हुए मुंबई, दिल्ली, सूरत, कोलकाता, बेंगलोर, कोच्ची, हैदराबाद से, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बालोद, झेलते झूठ पर झूठ, तिरस्कार और लांछन और मौत दर मौत, वे आते ही जा रहे हैं, होते मेरे पास रोज हर पल। साथ थे हम कभी,
जनरल डिब्बों की सुहानी भीड़ भरी रेल यात्राओं में कभी कभी मिल बांटते पूड़ी अचार, प्यारी फटीचर बसों में भुगतते हंसते खिलखिलाते धक्के धचके, उड़ती धूल से किरकती आंखें बलते, किलकते झगड़ते पिटते मुर्गा बनते मटमैले स्कूलों की टाट पट्टियों पर, बेंचों पर चेन चढ़ाते खड़खड़ साइकिलों की, गाते गुनगुनाते कॉलेज कैंपसों में बीड़ियों के सुट्टों के साथ सुड़कते कड़क मीठी चाय नौजवान दफ्तरों वाले ठेलों ठीहों पर। साथ थे हम कभी, आ रहे हैं वे सब झकझोरते मुझे, हिलाते डुलाते मेरे थुलथुलाते जिस्म को, पुरानी दोस्त आंखें सवाल करती हैं फिर जैसे खुद ही समझ जाती हैं। चलते जाते हैं वे, गुजरते मेरे आर पार, सहेजते मेरे सारे जिंदा पलों को, साथ लिए जा रहे हैं संभालने वे, मुझे भी ढो ले चल रहे हैं, साथ ले जा रहे हैं बचाने हमारा संसार और उसकी अच्छाई, देश और दुनिया में दिन ब दिन भभकती निस्संग बर्बरता से। दूसरी कविता का संबंध आकाशवाणी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम से, बहुत चर्चित नाम से, जिनको लगभग सब जानते हैं और जिन्हें हम हिंदी समाचार वाचन का प्रतिमान पुरुष कह सकते हैं, देवकी नंदन पांडे, और यही इस कविता का शीर्षक भी है। मैंने आकाशवाणी में बहुत साल काम किया, उनका प्रत्यक्ष दर्शन मैं कभी नहीं कर सका, उनसे मेरा परिचय बतौर एक श्रोता का ही रहा रेडियो में नौकरी करने के बाद भी, लेकिन इसमें कुछ पंक्तियां हैं जो बताती हैं कि जब मैं रेडियो की दुनिया में आ गया तो उसकी कुछ बारीक बातें जानकर उसका भी कुछ इस्तेमाल इस कविता में है, पर मूल रूप से यह कविता देवकी नंदन पांडे के व्यक्तित्व को संबोधित है। देवकी नंदन पांडे, और ये तब कविता लिखी गई थी जब वो जीवित थे और कभी कभी कैजुअल बुकिंग पर समाचार पढ़ने फिर आ जाया करते थे रिटायरमेंट के बाद। गाहे बगाहे अब भी सुखद आश्चर्य से भर देती है तुम्हारी आवाज, ये आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। तुमसे समाचार सुनना भी एक साधना है देवकी नंदन पांडे, डूबना भाषा के गांभीर्य और ध्वनि के प्रभाव में, एक धीर गंभीर नदी की तरह तुम पेश कर देते हो दुनिया को उसकी गति में हमारे सामने। और अनोखी बात ये कि तुमसे सुनते हुए समाचार जैसे कुछ घट जाती है वर्तमान के भयावहता और खबरों की चुभन, जैसे कुछ सुरक्षित हो जाता है संसार। तुमसे हम सुनते थे युद्धों और योजनाओं के बारे में, तब से जब युद्ध बड़ों की जिम्मेदारी थे और योजनाओं पर कुछ न कुछ भरोसा भी हुआ करता था। उन्हीं अच्छे अबोध दिनों में लौटा ले जाते हो तुम अवकाश प्राप्ति के बाद भी कैजुअल बुकिंग पर आने पर। स्टूडियो के बाहर निकल ब्रॉडकास्टिंग हाउस के भव्य भवन के अहाते में खड़े खड़े आजकल क्या सोचते हो देवकी नंदन पांडे? क्या याद करते हो वो तमाम झूठ जिनमें से कुछ तो तुमने जानबूझकर बोले होंगे, या वे सच जिनको लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ समूचे हिंदुस्तान से बात की थी तुमने, या फिर खुश हो लेते हो महज इस पर ही कि इस चिपचिपे जमाने में भी वैसी ही कायम है तुम्हारी आवाज की ठोस सफाई? हो सकता है कभी तुम कहना चाहते हो इस थोड़े से बचे वक्त में दो चार निजी बातें भी, जैसे बस की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ में पिसती अपनी बूढ़ी देह की, सब्जियों की आसमान छूती कीमतों की, एक पूरी उम्र की उसासों की, थकान की, चाहते हो कि हवा में अपनी राम कहानी के भी कुछ हिस्से तो फैला ही दो। ये तो हो ही सकता है कि याद करते अपना जमाना, बोलना चाहो चुपके से कभी प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा। देवकी नंदन पांडे, मैं बताना चाहता हूं तुम्हें कि तुम्हारे शब्दों में नहीं पर तुम्हारी आवाज में बोलता है नेहरू वाकई, और गूंजती है तुम्हारी राम कहानी भी बिना जाने हमारी जानी पहचानी। और अब तीसरी और अंतिम कविता, छोटी सी कविता।
हमारा समय जिस तरह के तनावों से गुजर रहा है उसी से कहीं ये पैदा हुई और दिल्ली की भीड़ भरी बस का एक अनुभव है। सुनिए, शीर्षक है पूरे रास्ते भर। भीड़ भरी बस में धक्कों धचकों के बीच टिका झूलता मैं, अचानक कहां पहुंच गया बूढ़े सरदार जी की गोद में मचलती बच्ची की आंखों से आंखें मिलते ही। भीड़ भरी बस में धक्कों धचकों के बीच टिका झूलता मैं, अचानक कहां पहुंच गया थोड़ी दूर बैठे बूढ़े सरदार जी की गोद में मचलती बच्ची की आंखों से आंखें मिलते ही। रह गया केवल उसका ताकना मुझे अचरज से, मेरा मुस्कुराना भौहें नचाना दुलराना दूर से ही उसे। पूरे रास्ते भर देखा मैंने सबसे पवित्र और प्यारे ईश्वर को साक्षात जी भरकर। पूरे रास्ते भर देखा मैंने सबसे पवित्र और प्यारे ईश्वर को साक्षात जी भरकर। ऐसे ही देखी थी ना सारी सृष्टि यशोदा ने कृष्ण के मुख में।